गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सही होंगे। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है संज्ञा और हमारा चैप्टर नंबर है 5। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सभी अपनी बुक निकाल लीजिए, हम हमारा जो चैप्टर है उसको बुक में अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर संज्ञा के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, छोटी सी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा, जैसे कि आप कहते हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन हम इसे एक अच्छे से तरीके से, प्रॉपर तरीके से आज फिर दोबारा से हम समझेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक निकाल ली है, ठीक है, तो हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, दो लड़कियों की फोटो आ रही है आपके सामने, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दो बच्चियां हैं, दो सहेली हैं, जो आपस में बातें कर रही हैं। वो क्या बातें कर रही है? तनु, आज तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रही हो? तो वो कह रही है, उसकी फ्रेंड कह रही है कि आज मुंबई से मेरे दादा दादी जो है वो आ रहे हैं, और शालू, वैभव और भी बहुत जो व्यक्ति है वो हमारे घर पे आ रहे हैं, और जो वो मेरे लिए नए नए खिलौने, चॉकलेट, फ्रॉक भी लेकर आएंगे। तो वो कह रही है, उसकी फ्रेंड कह रही है कि अरे वाह, फिर तो तुम्हें अपने दादा दादी से राजा रानी की, परियों की, इन सब की कहानी सुनने को मिलेगी, तुम्हें तो बहुत मजा आएगा। तो जो उसकी फ्रेंड है अपनी फ्रेंड से कह रही है कि हाँ हाँ, तुम भी हमारे घर आ सकती हो, तो और तुम्हें मेरे दादा दादी से, उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। तो अब बच्चों, आपने देखा कि जो ये दो फ्रेंड आपस में बातें कर रही है, तो आपके सामने कुछ रेड कलर के शब्द, रेड कलर के शब्द दिखाए गए हैं, ठीक है, वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो इनको क्यों हाईलाइट कर रखा है? क्योंकि ये जो शब्द है ये सभी संज्ञा के अंदर आते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम है, चाहे वो जगह का नाम है, चाहे वो किसी वस्तु का नाम है, और चाहे वो किसी भाव का नाम है। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं इनको आपको एक अच्छे सही तरीके से, मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है, आपको मैं बोर्ड पे भी समझाती हूँ। जैसे अभी दो फ्रेंड को आपस में बातें की थी, ठीक है, और आपके सामने जो शब्द बुक में दिखाए गए हैं रेड कलर में, वो संज्ञा है। कैसे है? जैसे देखो, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में तनु, दादा दादी, शालू आदि, ठीक है। फिर स्थान के नाम, स्थान के नाम में मुंबई और घर। इसी प्रकार वस्तुओं के नाम, वस्तुओं में जैसे खिलौने, चॉकलेट आदि। ऐसे ही भाव, भाव में जैसे खुशी, ठीक है। तो अभी आपने पहले बुक में समझा और फिर अब मैंने आपको ये बोर्ड पे समझाया। तो इस तरीके से हमें जो ये है अच्छे से ही पता चल गया है कि संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम और भाव के नाम। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे संज्ञा के बारे में, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि संज्ञा क्या होती है। अब हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में, संज्ञा के भेद के बारे में। तो बच्चों, संज्ञा के भेद होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो बच्चों, ये इन प्रकारों को हम अच्छे से समझने के लिए बुक के अंदर समझेंगे। तो आप लोग सब अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं दो मिनट आपका वेट करती हूँ, फिर हम अच्छे से इस चैप्टर को बुक के अंदर समझते हैं। तो बच्चों, आपने अपनी बुक निकाल ली, आप लोग निकालिए पेज नंबर 32, ठीक है, निकाल लिया। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे संज्ञा के भेद के बारे में। तो हमारा पहला पार्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले। जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखो, वरुण, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच है। हाँ, मुझे तो विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आता है। वैसे यह क्रिकेट मैच कहाँ खेला जाएगा? यह मैच दिल्ली में खेला जाएगा। तो देखो, दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि वरुण, वरुण इन दोनों में
किसी इसका नाम है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि भारत और आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच है। तो अब बच्चों आपने देखा कि एक तो इसने कहा कि वरुण, जो वरुण है वो भी उस व्यक्ति का नाम आ रहा है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया ये दो देशों के नाम है, ठीक है। तो विशेष हो गए ये भी। इसी प्रकार फिर ये कह रहा है कि मुझे विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आता है। तो विराट कोहली, विराट कोहली भी अब जैसे विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये मैच कहाँ खेला जाएगा, तो अब ये कह रहे हैं कि ये मैच दिल्ली में खेला जाएगा। तो दिल्ली भी एक विशेष स्थान का नाम हो गया, ठीक है, एक जगह का नाम हो गया। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ पर विशेष व्यक्ति का नाम, ये देशों के नाम, फिर ये वापस व्यक्ति का नाम और ये जगह का नाम, ठीक है। तो इन जो ये विशेष व्यक्तियों के नाम होते हैं या विशेष स्थान के नाम होते हैं, उन्हें हम जातिवाद व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस बातचीत में, अभी मैंने जैसा कि आपको समझाया, तो अभी ये उसी बात को वापस समझा रहे हैं। देखो, इस बातचीत में वरुण, विराट कोहली विशेष व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, ठीक है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया विशेष देश का नाम बता रहे हैं, और तथा दिल्ली शब्द विशेष शहर का नाम बता रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है। ऐसे शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग का बोध हो, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो, दादाजी आप इस कुत्ते को यहाँ से ले जा रहे हैं, दादाजी आप इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हैं, मैं इसे डॉक्टर से दिखाने अस्पताल ले जा रहा हूँ, क्यों, इसे क्या हो गया। अभी देखो, यहाँ पर एक बच्ची और एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में यहाँ पे आपस में बातें हो रही हैं। ये कह रही है कि दादाजी आप इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, इस बातचीत में दादाजी, कुत्ते और डॉक्टर शब्द किसी विशेष प्राणी के बारे में किसी विशेष प्राणी के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि प्राणी जाति के बारे में बता रहे हैं। इस तरह अस्पताल शब्द किसी विशेष जगह के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि पूरी इमारत जाति के बारे में बता रहा है। ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब ये कहा कि दादाजी, तो दादाजी में तो जैसे पूरी मनुष्य जाति आ गई ना बेटा, उसमें सभी आ गए। कुत्ते के अंदर जैसे पूरी प्राणी जाति आ गई, डॉक्टर भी एक जो है प्राणी है, उसमें भी सभी आ गए, डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार अस्पताल भी बहुत सारे होते हैं। तो इसी प्रकार ये हमें अलग अलग जातियों के बारे में, विशेष जातियों के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के बारे में। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो, हरियाली देखकर कितना अच्छा लगता है ना, हरियाली देखकर कितना अच्छा लगता है ना, हाँ चलो दौड़ लगाएं, अभी थकान लग रही है, थोड़ी देर बाद दौड़ लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी आपस में दोनों लड़के बातें कर रहे हैं, अभी इन्होंने क्या क्या बातें की, देखो ऊपर की गई बातचीत में हरियाली, दौड़ और थकान शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाव को महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। तो ये आपको पता चल गया बच्चों कि जो भाव होते हैं वो हमारे मन से उठते हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं, है ना। जैसे रोने का भाव, कभी आप अचानक खुश हो जाते हो या डर जाते हो, तो ये सब किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो यहाँ तक मैंने चैप्टर समझाया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार आपको इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। और हम हमारा जो चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको वो पूरा चैप्टर अच्छे से और भी समझा दूंगी। तो आपका यही होमवर्क है कि आपको इसका अच्छे से रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद बच्चों।